नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में भले ही 10 लोकसभा की सीटें हों, लेकिन इन 10 सीटों की ताकत 100 सीटों के बराबर है। जी हाँ, 10 सीटों की ताकत 100 सीटों के बराबर है। और भारत के नक्शे पर, देश के नक्शे पर हरियाणा भले ही आपको छोटा सा राज्य दिखता हो, लेकिन आज के हालात में, आज के पॉलिटिकल सिचुएशन में हरियाणा की ताकत उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से कम नहीं है, यूपी महाराष्ट्र से कम नहीं है हरियाणा की ताकत। और ये जो बातें हरियाणा को लेकर मैं कह रहा हूं, मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूं, बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं। आप यकीन मानिए, यकीन मानिए, अगर दिल्ली का पड़ोसी राज्य हरियाणा, मोदी जी की सीट से कुछ दूरी पर हरियाणा, अगर हरियाणा हाथ से निकल गया मोदी जी के, तो फिर मोदी जी के दिल्ली दरबार में, उनकी सीट ऑफ पावर में आफत आ सकती। और हो सकता है कि मोदी जी को अपनी सीट बचाना मुश्किल पड़ जाए। और क्यों मुश्किल पड़ जाएगी सीट बचाना, मोदी जी को अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल पड़ जाएगी, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे मैं बताने जा रहा हूं कि अगर हरियाणा गया तो मोदी और शाह के लिए अपने दरबार को बचाना मुश्किल होगा। अब दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि मोदी और शाह ने अपने सिस्टम की, अपने देश में जो सिस्टम उनके हाथ में, उस सिस्टम की सारी ताकत हरियाणा में झोंक दी है, कि किसी तरह से बाजी पलट जाए, किसी तरह से हरियाणा में सरकार बच जाए बीजेपी की। और शायद इसीलिए ये जो चुनाव है इतना महंगा लड़ा जा रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हरियाणा के इतिहास में इतना महंगा चुनाव शायद ही कभी लड़ा गया। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद सच्चाई ये है कि बीजेपी अगर जीतती है तो एक चमत्कार होगा। चमत्कार इसलिए होगा क्योंकि कई गलतियां हैं, जिसमें से सबसे बड़ी गलती है कि आज की तारीख में हरियाणा को जो लीड कर रहा है शख्स, जी हाँ, ये साहब, ये मुख्यमंत्री ही एक्चुअली विपक्ष का कहना है कि डमी, इनके पास कोई ताकत नहीं, चपरासी तक इनका चुना हुआ नहीं है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो खाली लिफाफा है। कि आपने उनको सीएम तो बना दिया, लेकिन टीम सारी मनोहर लाल की है, उनका चपरासी भी नहीं है, पूरी की पूरी सीएम ऑफिस की टीम। ओह माय गॉड, मनोहर लाल की। सर, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चपरासी भी उनकी पसंद का नहीं है? सेक्रेटरी छोड़ दीजिए, चीफ सेक्रेटरी छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, चपरासी भी नहीं है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि बीजेपी कितनी सीटें ला रही, मोदी और शाह आज की तारीख में, आज के डेट पे कितने पानी में खड़े हैं, कितनी सीटें मिल रही हैं बीजेपी को, और कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है, क्या कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा छू रही है, बहुमत से कम है, बहुमत से ज़्यादा, कितनी सीटें कांग्रेस को मिल रही, ये भी मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात और इत्तेफाक मैं कहूंगा कि आज एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो आप कह सकते हैं कि हरियाणा को हथेली की तरह जानते हैं, पिछले कई महीनों से एक एक जिले, एक एक सीट का विश्लेषण कर रहे हैं, हेमंत अत्री साहब, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनको सुनिएगा। हरियाणा के भीतर क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या होने जा रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा सीधे मोदी पर, मोदी के दरबार पर। मुझे लगता है हेमंत अत्री को सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हरियाणा जो है एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां से या तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी या बीजेपी बढ़ेगी, या फिर बीजेपी की उल्टी गिनती भी शुरू हो सकती है। क्योंकि हरियाणा गया तो सबसे बड़ा खतरा सीट ऑफ पावर, मोदी की सीट ऑफ पावर पर है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस वीडियो को, बस एक ही गुजारिश है, आखिर तक देखिएगा, कई खुलासे अत्री साहब करने जा रहे हैं। हेमंत साहब, पहला सवाल तो ये जो समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी और शाह की जो बेचैनी है हरियाणा को लेकर, अंदर से जैसे कोई तड़प हो, इतनी परेशानी क्यों है हरियाणा को? अगर हरियाणा चला गया तो कौन सा गजब हो जाएगा, कौन सा आसमान फट जाएगा साहब? एक राज्य चला गया तो चला गया, कई राज्य चले गए बीजेपी के हाथ से। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल, वैसा सवाल पूछा है जो अभी तक कोई पूछ नहीं रहा पिछले महीने भर से। मूल सवाल यही है कि हरियाणा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, दिल्ली का जो 3/4 NCR है, आप गुड़गांव फरीदाबाद देख लीजिए, उधर आप से रोहतक आ जाइए, झज्जर आ जाइए, इधर सोनीपत आ जाइए, पानीपत का हाईवे आ जाइए,
3/4 जो दिल्ली की पेरिफेरी है वो हरियाणा उसका गेटवे है। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि दिल्ली जो है, जो दिल्ली दरबार है, ये 3/4 यानी 75% ये हरियाणा से घिरा हुआ है। एग्जैक्टली और आपका अगर यूपी की बात करेंगे, जब दिल्ली की पेरिफेरी की बात करेंगे तो गाजियाबाद और नोएडा को छोड़ दीजिए, बाकी तो तीनों तरफ हरियाणा है। और इसकी एंट्री समझिए स्ट्रेटेजिक, राजस्थान में कोई आंदोलन हो तो वो वाया हरियाणा दिल्ली आएगा, पंजाब में अगर कोई आंदोलन हो तो वो वाया हरियाणा आएगा, हिमाचल में बहुत ज्यादा आंदोलन होते नहीं। और जो आपने रिसेंटली जो घटनाक्रम देखा ओवरऑल, केवल एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है हरियाणा, उसके अलावा बहुत कुछ है दीपक जी। पहली बात तो ये कि तीन तरफ से घिरा हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, एनसीआर का 70% हिस्सा हरियाणा में आता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो एनसीआर के गुड़गांव है खासतौर पर, आप देख लो मिलेनियम सिटी बोलते हैं, दिल्ली में कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जिसका वहां पर वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो। और रेवेन्यू के मामले में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में हो, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो हरियाणा में हो, रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा माध्यम एनसीआर है, रियल एस्टेट के हिसाब से और सारे हिसाबों से। तो वो तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। लेकिन अगर मोदी और शाह की चिंता की आपने बात की, तो एक लाइन में अगर आप कहें तो एक सीन की कल्पना कीजिए दीपक जी, आप बहुत सीनियर आदमी, आपको हर चीज की समझ। 378 दिन तक आपने किसानों को खंदके खोद करके, आपने बोल्डर्स डाल करके, आपने नश्तर गाड़ के किसानों को 378 दिनों तक दिल्ली के बॉर्डर पर बिठाए रखा। दैट वाज कटसी मनोहर लाल खट्टर। कल्पना कीजिए अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती तो वो सरकार ये काम करती क्या? और अगर वो किसान दिल्ली में आ गए होते तो माननीय मोदी जी और शाह साहब का क्या हाल होता, ये आप कल्पना ही कर सकते। ओहो, ये उनका भय है, ये मेरा और आपका भय नहीं है। इस देश के किसान पहले भी दिल्ली में आते रहे। आपको ध्यान होगा इमरजेंसी के बाद जब चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बीच में वन अपमैनशिप चल रही थी, तो चौधरी देवीलाल थे चरण सिंह जी की तरफ और उन्होंने बोट क्लब पे लाखों की रैली कर दी थी, आपको ध्यान हो। और 75 लाख रुपए हरियाणा के किसानों ने भेंट किए थे चौधरी चरण सिंह को, वो होम मिनिस्टर थे, उनकी मोरारजी देसाई से बनती नहीं थी। तो लाखों किसान पहुंच गए थे सारे हरियाणा और वेस्ट यूपी से। फिर आपको 87 का ध्यान होगा, मैं आ रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं हेमंत जी कि भाई जहां मोदी और शाह बैठते हैं, जहां उनका राजमहल है, दिल्ली दरबार है, सीट ऑफ पावर है, उसका गेट हरियाणा से खुलता है। हरियाणा इज द गेट, और ये दरवाजा खुल गया तो जनता आती है, सिंहासन खाली करो, कुछ इस टाइप के आप चीज बता रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें आप कशक क्या मान रहे हैं, मैं तो वही आपको बता रहा था। 77 में देखा आपने चरण सिंह बना मोरारजी देसाई, चौधरी देवीलाल चरण सिंह की तरफ थे और वो उन्होंने लाखों की भीड़ कर दी उनके 75वें जन्मदिन के बहाने, कितना भारी वो था। और उसके बाद चरण सिंह पीएम बने, थोड़े समय के लिए बने, अलग बात है। फिर आप 87 में आ जाइए, न्याय युद्ध हरियाणा का, एसवाईएल का पानी, बोट क्लब की वो रैली, ध्यान होगा। और उसके बाद हरियाणा में 90 में से 85 सीट देवीलाल की, ध्यान होगा आपको, हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा। बिल्कुल याद है मुझे, राजीव गांधी का समय था और दिल्ली में जो बोट क्लब है, बोट क्लब मतलब मोदी जी का जो दफ्तर है उसके जो लॉन मान लीजिए आप, exactly, उस लॉन पर 1 लाख 2 लाख 5 लाख किसान इकट्ठे हुए, नाक में दम कर दिया राजीव गांधी के, और अल्टीमेटली सरकार को झुकना पड़ा, सत्ता चली गई। आप ये कहना चाह रहे हैं टिकैत, वो रैली जिसके आप जिक्र कर रहे हैं वो टिकैत की रैली थी, टिकैत की रैली में किसान की डेथ, वो किस टिकैत की रैली थी उसी दौर में, जी हाँ, और राजीव किसान की डेथ हुई थी यार, यस सही कह रहे हैं आप जी, एक किसान की मौत हो गई थी और उसके बाद लाखों की भीड़ बढ़ गई और चारों तरफ से प्रधानमंत्री का कार्यालय ऑफिस गिर गया था। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में मोदी जी को चैन से बैठना है तो हरियाणा अपने कब्जे में रखना होगा, क्योंकि हरियाणा गया तो फिर पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, जितने भी किसान हैं, जाट हैं, बाकी सब हैं, किसान का मेरा, सबके सब एक फौज, एक हुजूम आ जाएगा निश्चित तौर पे। और ये तो आपने अभी हाल के दिनों में देखा, 378 दिन जब किसान बैठे थे। मैं तो आपसे एक दीपक जी एक साधारण सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इस देश में कभी किसान आंदोलन नहीं हुए क्या? क्या इस देश में तमाम कर्मचारियों के आंदोलन नहीं हुए क्या? क्या वो सारे हमने आपने कितने सालों तक कवर किया है दिल्ली में, रामलीला मैदान में इकट्ठे नहीं होते थे क्या? आज ऐसा क्या हो गया कि कोई दिल्ली में घुस नहीं सकता? दिल्ली में ऐसा क्या हो गया? दिल्ली हमारी राजधानी है, कोई भी शांतिपूर्ण आंदोलन दिल्ली में आ सकता है। तो मोदी और शाह डरते क्यों? वो जो किसान आ रहे थे वो प्रधानमंत्री का घेराव करने थोड़ी आ रहे थे, वो तो अपनी मांगों के समर्थन में आपके रामलीला मैदान में आना चाह रहे थे। आपने क्या किया? वहां नश्तर गढ़वा दिए बॉर्डर्स के ऊपर, आपने बोल्डर्स लगवा दिए। आपने हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में समकालीन इतिहास में कोई सरकार देखी है, राज्य की या केंद्र की,
जो अपने लोगों को राजधानी में आने से रोकती है। इस तरीके से सरकारें सड़कें बनाती हैं, सड़कें रोकती हैं, सरकारें रास्ते खोलती हैं, रास्ते नश्तर लगाती हैं। ये हिंदुस्तान में एक नया मॉडल दे दिया मोदी और शाह की सरकार ने, और उसमें पार्टनर बन गए मनोहर लाल खट्टर। परिणाम आपके सामने। अत्री साहब, मान लीजिए इस वक्त हरियाणा में बीजेपी की दाल पतली है, और जिस तरह के सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बीजेपी के भी जीरो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हरियाणा टफ फाइट नहीं है बल्कि बीजेपी वहां लूज कर सकती है। ऐसा है, कांटे की टक्कर नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक तरफा से हो रही है। अगर मान लीजिए अगले महीने जो नतीजा आने वाला, हरियाणा अगर मोदी जी के हाथ से चला गया और वहां पर हुड्डा की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, तो फिर क्या होगा? फिर विपक्ष के पास हरियाणा है और सरकार के पास दिल्ली, फिर होगा क्या? आगे क्या हो सकता है? मैं वो जरा सीन चाह रहा हूं, आपके तजुर्बे से वो देखना चाह रहा हूं, सीन क्या होगा तब? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है साहब आपका। देखिए, हरियाणा के अंदर कांग्रेस आई तो निश्चित मान के चलिए महाराष्ट्र में इससे भी बुरा हाल बीजेपी का होने वाला है। वहां पर आपने विदर्भ में तमाम किसानों का, हरियाणा का इमीडिएटली मल्टीप्लाइंग फैक्टर वहां जाएगा। बाकी तमाम लोकल फैक्टर्स हम अलग से बात भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। उसका एक इम्पैक्ट, स्पाइरलिंग इम्पैक्ट झारखंड पे भी जाएगा कि मोदी तो जा रहे हैं, लोकसभा में जो कुछ हुआ नहीं हुआ, असेंबली में अगर हार का सिलसिला शुरू हुआ तो आपको ध्यान होगा हरियाणा हमेशा से ट्रेंड सेटर है नेशनल लेवल पे। उसके तत्काल बाद दिल्ली का चुनाव, और वो आज तो केजरीवाल वाले इस्तीफे की पेशकश से लगता है कि महाराष्ट्र के साथ ही ना हो जाए जी। अगले साल बिहार का चुनाव है, नीतीश कुमार लगातार क्या कह रहे हैं कि मेरा चुनाव जल्दी करा लीजिए। तो ये एक ऐसा स्पाइरल बनेगा कि मोदी और शाह को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपको एक बहुत छोटा सा बारीक उदाहरण देता हूं, आप कल्पना कर सकते हैं मोदी जी के सबसे ब्लू आइड बॉय कौन है पूरे देश के स्तर पर? मनोहर लाल खट्टर। कल मोदी जी कुरुक्षेत्र आए थे, आपको पता है उनकी रैली में 5,000 आदमी थे मोदी जी की रैली में, 23,000। मैं आपको वीडियो भेज देता, क्या बात कर रहे हैं, मोदी जी की रैली में कभी 50,000 से आदमी कमी नहीं हुआ त्री साहब। कल का मैं वीडियो भेजूंगा, आप उसको यूज कीजिएगा, और उसका साइज भी भेजूंगा टेंट का। 5,000 आदमी थे जिस ग्राउंड में, थीम पार्क में रैली थी, वहां पर सो बारिश हुई, वो टेंट का साइज घटाते 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 उसमें कुल 5,000 आदमी रह गए, 3,000 कुर्सी, 2,000 वैसे, और 2,500 सिक्योरिटी वाले जो सिक्योरिटी ड्यूटी पे होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात दीपक जी, आप स्तब्ध रह जाएंगे, हरियाणा में 9.5-10 साल शासन किसने किया? मनोहर लाल ने, अनअबेटेड जो मर्जी आई किया। और कल रैली के अंदर मोदी की स्टेज पर मोदी, वो मनोहर लाल नहीं थे नंबर एक, मनोहर लाल ना केवल नहीं थे, उनका फोटो भी नहीं था, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका जिक्र भी नहीं था। किसी वक्ता ने 2.5 साल तक शासन करने वाले सुपर चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल का नाम नहीं लिया कल मंच पे मोदी जी के सामने। लेकिन अत्री साहब थोड़ा सा मेरा सिर चकराने लगा आपके जवाब से। मनोहर लाल खट्टर जो है, मोदी जी खुद कहते थे कि वो स्कूटर चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, वो हम लोग साथ साथ दरी बिछाते थे, हम लोग एक दरी पे सोते थे, एक थाली में खाना खाते थे। खट्टर साहब मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, इस तरह की तो बात करते थे मोदी जी खट्टर के बारे में। और इतने पुराने दोस्त, एक थाली में खाना खाने वाले, एक दरी पे सोने वाले, आप कह रहे जिक्र नहीं किया जी, ये कल की बात है। और इससे पहले क्यों, फिर ये भी बता दीजिए, फिर मसला क्या है? आपसे कौन सी खबर बची हरियाणा में? उसमें दीपक जी क्या हुआ, 12 मार्च की आपको तारीख ध्यान होगी, अभी रिसेंट 12 मार्च मोदी जी द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने गुड़गांव आए थे, ध्यान है आपको, जहां ये फेमस कोट जिसको आपने कोट किया कि हम साथी हैं, हम एक दरी पे सोते थे, और मनोहर जी की बाइक पर, बुलेट बाइक पर हम दोनों घूमते, सॉरी स्कूटर नहीं, मोटरसाइकिल पे, बुलेट बाइक उन्होंने कहा था, बुलेट मोटरसाइकिल थी इनके पास। उस दिन वो यहां से निकले, 12 मार्च को मोदी जी 3 बजे गुड़गांव से निकले, और शाम को 7 बजे उन्होंने मनोहर लाल की दरी भी खींच ली और बुलेट भी खींच ली, बुलेट भी छीन ली। ओके। और 13 तारीख को सुबह मनोहर जी का इस्तीफा हो गया और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हो गए। तो मोदी जी जिसकी प्रशंसा करते हैं उसका समझ लीजिए क्या कार्यक्रम होने वाला है। तो उनके साथ ये हुआ मनोहर लाल के साथ, और कल की रैली के बाद तो हरियाणा भाजपा नहीं समझ पा रही है। देखिए, आपने मुख्यमंत्री जरूर बदल दिया, नायब सैनी की आप कल क्या कह रहे थे मोदी जी कि ये आपका बेटा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में रैली थी और वो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं लाडवा से। तो मोदी जी ने कहा कि अपने बेटे को खुलकर आशीर्वाद दीजिए। तो वहां लोगों में चर्चा चल पड़ी कि आपने नायब सैनी साहब को तो आपने आशीर्वाद नहीं दे रखा, पूछा कैसे कि आपने उनको सीएम तो बना दिया लेकिन टीम सारी मनोहर लाल की है, उनका चपड़ासी भी नहीं, पूरी की पूरी सीएम ऑफिस की टीम मनोहर लाल की। सर आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चपरासी भी उनकी पसंद का नहीं है,
सेक्रेटरी छोड़ दीजिए, चीफ सेक्रेटरी छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, चपड़ासी भी नहीं है, सारे मनोहर लाल जी का तोहफा है और रिमोट से मनोहर लाल जी चलाते हैं, एक एग्जाम्पल। दूसरी बात, आपने पिछले दिनों यूज नोट की होगी, जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग से बाहर आए मोहनलाल बड़ोली, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष। आप जैसे मेरे साथियों ने पूछा, भाई सीएम साहब कहां से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा लाडवा से, और सिटिंग एमएलए है अपने नायब सिंह सैनी साहब करनाल से। तो वहां जर्नलिस्टों ने पूछा, साहब आप लाडवा से चुनाव लड़ रहे, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो करनाल से लड़ रहा हूं। हमने कहा लाडवा से लड़ेंगे तो लाडवा से ही लड़ रहे हैं। जिस मुख्यमंत्री का स्टाफ अपना ना हो, जिस मुख्यमंत्री को अपनी सीट का भी ना पता हो, मतलब मुख्यमंत्री का चपरासी भी मुख्यमंत्री की पसंद का नहीं, और मुख्यमंत्री जिस सीट से लड़ने जा रहा है उसको पता नहीं कि वो कहां से लड़ेगा, ये आप कह रहे हैं जी। और इसकी अगली, मतलब मुख्यमंत्री ना हो गया ऐसा लिफाफा हो गया जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, खाली लिफाफा मुख्यमंत्री का, मतलब खड़ाऊ मुख्यमंत्री इसको कहिए आप, जो सभ्य भाषा में शालीन हमारी भाषा है उसमें खड़ाऊ संभाल रहे हैं उसके मनोहर लाल की। तीसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात सुन लीजिए, अभी 16 तारीख गई पिछली, उस दिन हरियाणा में चुनाव की घोषणा हुई, ध्यान आपको आचार संहिता लगी जी। तो जर्नलिस्टों ने सुबह 10 बजे पूछा नायब सैनी साहब से कि साहब आज तो चुनाव आयोग की मीटिंग होगी 2 बजे, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हरियाणा में चुनाव तो डिक्लेयर नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं 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 चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है, समय पे होगा। जिस मुख्यमंत्री को 4 घंटे के बाद, भाजपा का सीएम 4 घंटे बाद चुनाव डिक्लेयर है, उसको कुछ पता ही नहीं। ठीक, फिर हमने कहा कि प्रत्याशी बदले जाएंगे, जर्नलिस्टों ने पूछ लिया कि प्रत्याशी बदल रहे हैं क्या, उनका नहीं नहीं भाजपा की संस्कृति नहीं है ये, 2 घंटे बाद प्रत्याशी बदल गया पेवा में, अजराना बदल दिया। तो मुख्यमंत्री तो दया के पात्र है नायब सैनी, बिल्कुल रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री। मान लिया त्रि साहब, मान लिया, अब मुझे ये बताइए कि मोदी जी ने मनोहर लाल खट्टर साहब की मतलब जिक्र नहीं किया, नहीं वो अंदर अंदर नाराज है। अब सुनते हैं, मेरी कानों में ऐसी आवाज आई चंडीगढ़ से कि साहब मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह, मोदी जी के जो चाणक है, इनमें भी कट्टी हो गई है। सही बात है, कट्टी है या नहीं है, कट्टी है मुच्ची है, कुछ बताइए तो सर। देखिए कट्टी बनी इनका बेसिकली क्या है, लव एंड हेट रिलेशनशिप है, और okay. इसको सुन के आप स्तब्ध रह जाएंगे, स्तब्ध रह जाएंगे आप। जब ये सीसी की मीटिंग होनी शुरू हुई तो मनोहर लाल जी के चेलों ने 10 साल में माल तो छाप ही लिया बहुत मोटा, तो उनको एक बुखार चढ़ा के हम चुनाव भी लड़ लें। तो मनोहर जी 4-5 जो परम चेले हैं उनके, नाम लेना ठीक नहीं, आप कहेंगे तो मैं नाम बता भी दूंगा आपको, नहीं कोई बात नहीं, नाम मत लीजिए। उन्होंने चुनाव लड़ने की ठान ली, तो वो बात अमित शाह जी के पास भी पहुंचगी। वो सारी मीटिंगों का होमवर्क अमित शाह जी करते हैं, पता ही आपको, वही चाणक्य है, वही हरियाणा को देख जी। उन्होंने मीटिंग में बैठते ही पहला सेंटेंस क्या कहा, तो ये चेले चपाटे नहीं चलेंगे भाई, ये पीएवी को नौ टिकट नहीं मिलेगी। तो मनोहर जी के सारे चेले इन 2 शब्दों में कट गए, वो जवाहर यादव हो, वो देवेंद्र कादयान हो, वो अजय गौड हो, वो अपने क्या नाम है उसका जो ये कोसली से टिकट मांग रहा था अभिमन्यु राव हो, एक कलम में सारे में बैठ गए। तो उसके बाद मनोहर जी क्या करते हैं, फिर मनोहर जी ने क्या किया, जो बड़े बड़े तोपची हैं जिनके नाम से हरियाणा में भाजपा जानी जाती है, रामविलास शर्मा, आपने नाम सुना होगा जी, बिल्कुल बड़े नेता। रामविलास शर्मा हरियाणा में भाजपा की पहचान है, केवल 2 ही नेता हरियाणा में बीजेपी के बड़े हुए, मंगल सेन और ये 91 में अध्यक्ष थे, ये जब मोदी जी भी कहीं नहीं थे, 91 में हरियाणा के अध्यक्ष थे, और ये 80 से हरियाणा की 90 टिकटें बांटते आए, मनोहर जी ने उनकी टिकट काट दी। हरियाणा का कल्पना कर सकते हैं आप, मतलब जो आदमी टिकट डिस्ट्रीब्यूट करता था, जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसके, उसको भी टिकट नहीं दिया, डिस्ट्रीब्यूटर से पाइप छीन लिया। 2014 में जो भाजपा पहली बार हरियाणा में सत्ता में आई, उस समय भाजपा का अध्यक्ष कौन था, रामविलास शर्मा, जो भाजपा सपने में हरियाणा में नहीं सोच सकती कि हम सत्ता में आ सकते हैं अपने दम पर। हरियाणा में 2014 में आपको याद है 47 सीटें आई थी जी, उस टाइम मुख्यमंत्री का चेहरा कौन था, रामविलास शर्मा, और बनाया। अच्छा चलिए, जब मनोहर लाल खट्टर, अत्री साहब अब आप जब कुंडली खोली रहे हैं, पूरी कुंडली जब आप खोली रहे हैं, तो जरा ये मुझे बताइए कि मोदी जी जो पहले 2 महीने पहले, मतलब इलेक्शन होने से 2 महीने पहले हरियाणा पहुंच जाते थे, गली गली जाते थे, कस्बे कस्बे जाते थे, इधर मैं देख रहा हूं कि हरियाणा का चुनाव चरम पे, बड़ी मतलब मुश्किल से एक रैली इन्होंने अभी तक करी है, इतना परहेज क्यों कर रहे हैं, मतलब ना मोदी जी जा रहे हैं ना अमित शाह जा रहे हैं, वो जो सक्रियता थी, वो जो एक सॉलिड कैंपेन होता था, ऐसा क्यों है, थोड़ा सा बैकफुट पे क्यों है ये लोग, ये गुजरात लॉबी। इसका संकेत जो दीपक जी, सबसे पहला संकेत तो पार्लियामेंट के परिणाम में ही आ गया,
पार्लियामेंट में 10 में से 10 सीट आपकी 2019 में थी, 2014 में 10 में से 9 थी, इस बार सीधा घट के 10 में से 5 रहेगी। और उसमें से कांग्रेस ने अगर एक दो टिकटें और ठीक दी होती तो कांग्रेस की 8 सीट भी हो सकती थी, बहुत नैरो मार्जिन से हार गई। तो सवाल यह है कि मोदी जी को इसका अंदाजा, जो जिस मीटिंग की मैं और आप बात कर रहे हैं दरी और मोटरसाइकिल वाली 12 मार्च की, उससे पहले मोदी जी को सारा फीडबैक आईबी की रिपोर्ट्स इंटरनल सर्वे से मिल चुका था कि अगर मनोहर लाल को कंटिन्यू किया एक दिन भी तो लोकसभा में लेने के देने पड़ जाएंगे। तो उन्होंने उनको बदल तो दिया विद इन 24 आवर्स, लेकिन उसका जो इफेक्ट है उसको तो जाने में समय लगेगा इन 3 कमेंसी का। उसका परिणाम यह हुआ कि जब 4 जून को परिणाम आए तो हरियाणा में बीजेपी 10 में से घट के 5 रह गई। और अब विधानसभा का जो फीडबैक आ रहा है उसमें तो माशाल्लाह है, कोई नाम लेवा ही नहीं। अब मनोहर लाल ने जो रणनीति के तहत जो बिछाया है हरियाणा में जाल, अगर आप सुनोगे तो हैरान रह जाएंगे। कहीं कहीं वो इनेलो से भी मिले हुए हैं, कहीं कहीं वो अपनी ही पार्टी के इंडिपेंडेंट्स खड़े करने पर लगे हुए हैं, जो उनका परम चेला है देवेंद्र कादियान, आपको जानकर हैरानी होगी, वो बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ गन्नौर से चुनाव लड़ रहा है। इस देश की जो चौथी सबसे अमीर महिला है सावित्री जिंदल, चौथी सबसे, और सीटिंग एमपी नवीन जिंदल की माता जी है, ओम प्रकाश जिंदल जी की धर्मपत्नी है, वो जिंदल ग्रुप वाली सावित्री जी, जी जी, वो बगावत करके भारतीय जनता पार्टी से वो हिसार में चुनाव लड़ रही है विधानसभा का, 2 बार मंत्री रही है, आप कल्पना कर सकते हैं। बताइए तो ये रणनीति, तो एक चीज, एक मिनट, मुझे एक लाइन में बताइए, एक दो लाइन में बताइए कि खट्टर साहब जो मोदी जी को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा के घुमाते थे, एक थाली में रोटी खाते थे, ऐसा क्या हो गया कि खट्टर साहब ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? वाए मिस्टर त्री, वाए क्यों? जब देखिए पावर हैज गॉन इनटू हिज हेड, बहुत ज्यादा एरोगेंट आदमी है, बहुत ज्यादा आत्मुग्ध आदमी, सेल्फ ऑब्सेस्ड। और मोदी जी तो नहीं, मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि दोनों 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 एक दूसरे के पूरक है इस मामले में, दोनों ही मामलों में सेम भाई, दोस्ती भी है और मिजाज भी एक जैसा है, इसका मतलब दोनों दोस्तों का मिजाज एक जैसा है, दोनों आत्मुग्ध हैं, दोनों एरोगेंट हैं, और स्टाइल भी सेम है, कपड़े आप देखिए एक कपड़ा दोबारा नहीं पहनते, देश बदलने आए थे वेश बदलते रहते हैं, वो देश बदलने आए थे वो भी वेश बदलते, ये प्रदेश बदलने आए थे ये भी वेश बदल के चले गए। और हरियाणा में अब हालत ये है कि भाजपा का तो जो आप गत देख रहे हैं वो ही रही है, मनोहर लाल जी की मौज आ गई, उनको हरियाणा से निकाला, अगले ही दिन भाजपा की टिकट अनाउंस कर दी करनाल से, आज वो देश में 8वें नंबर के मंत्री हैं, पावर मिनिस्टर, आपको पता है पावर मिनिस्ट्री इस देश में अडानी से पूछे बिना नहीं मिलती मौजूदा दौर में, वो आज के देश में पावर मिनिस्टर है अर्बन डेवलपमेंट, जो अडानी का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है अर्बन डेवलपमेंट में। बॉम्बे में आपने देख भी लिया, आपने शो भी किया कि बॉम्बे में किस तरीके से दिया गया धारावी वाला, तो वो अर्बन डेवलपमेंट जो सबसे क्रिटिकल मिनिस्ट्रीज है वो मनोहर लाल खट्टर के पास है। तो यहाँ जो भाजपा के कार्यकर्ता थे जो जूते खा रहे हैं वो तो जूते ही खा रहे हैं, उनको 10 साल में भी कुछ नहीं मिला, और मनोहर जी यहाँ भी मौज काट के गए और अब केंद्र में मौज काट रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। पहले भी मलाई थी, पहले भी मलाई थी और अब भी मलाई है। जी जी जी, एक चीज बताइए, क्या आपको, क्योंकि आप हरियाणा को अपनी हथेली की तरह जानते हैं, जिले जिले गांव गांव सारी समीकरण आप समझते हैं, मैं एक लाइन में चाहना चाह रहा था कि हरियाणा में क्या बीजेपी के जीतने के चांसेस बहुत कम है? अत्री साहब, दीपक जी कहीं आसपास भी नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें मिल जाएं तो आई विल बी अमेज्ड एंड शॉक्ड, 20 सीट पकड़ना मुश्किल है। अत्री साहब सोच समझ के बोलिए, क्योंकि मैं फिर दोबारा बुलाऊंगा आपको 8 अक्टूबर को। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के जीतने के चांसेस नहीं है, नतीजे वाले दिन फिर आपको बुलाएंगे, हम ढूंढेंगे। 8 अक्टूबर को जो मैंने कहा, अगर ये सीट आ जाएगी 20 अगर ये पकड़ जाए तो जो आप कहेंगे वो। चलिए साहब, बड़ा जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस। तो फिर ये भी बता दीजिए कि अगर कांग्रेस आ गई तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? ये जो किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, लेट मी कम ऑन द फाइनल क्वेश्चन नाउ, जो असली क्वेश्चन है, अगर कांग्रेस आ गई, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई जीतने की कोई उम्मीद नहीं और आप दावा ठोक रहे हैं कि साहब मुझे 8 तारीख को ढूंढ के बुला लीजिएगा और जो कहिएगा मैं करने को तैयार हूं, तो आपने तो एकदम ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि मेरे पास तो लफ्ज नहीं है कि आपको अब काउंटर करूं इस मुद्दे पर। मुझे ये बताइए कि अगर सत्ता आ गई कांग्रेस के पास, दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए, तो ये जो बॉर्डर पे लाखों किसान हैं, पंजाब से आना चाहते हैं, राजस्थान से आना चाहते हैं, हरियाणा के गांव से निकलना चाहते हैं, फिर ये क्या करेंगे? क्योंकि इनको तो MSP चाहिए सर, लीगल, फिर क्या होगा? दीपक जी निश्चित मान के चलिए कि भाजपा माइनस भाजपा
और मैं तो कहता हूँ माइनस मनोहर लाल खट्टर एंड नायब सैनी, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा इस तरह की बदतमीजी किसानों के साथ कर ही नहीं सकता। किसानों का संवैधानिक अधिकार है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना। मोदी जी ने एश्योरेंस दिया था जब 378 दिन का एजिटेशन खत्म कराया कि आपकी सारी मांगे मानी जाएंगी। किसानों ने इंतजार किया, नहीं मानी तो वो बेचारे फिर चल पड़े, उनको फिर रोक दिया गया। आप मुझे बताइए, कोई भी सरकार, कांग्रेस की हो या किसी भी राज्य की, मैं तो कह रहा हूं कोई दल हो, कोई भी क्या इस एरिया के अंदर इतना किसान विरोधी हो सकता है कि किसानों को अपनी जायज मांगे लेकर दिल्ली आने से रोके और इस तरीके से रोके? तो ये तो शर्म निरपेक्षता केवल भाजपा में ही है जो इस तरह भी वो कर सकते हैं। मैं एक और क्रूशल क्वेश्चन में आ रहा हूं। देखिए, किसान अभी भी साल भर से और साल भर से ज्यादा से वो सड़कों पर बैठे हैं, वहीं पर खाना खा रहे हैं, वहीं पर सो रहे हैं वो लोग, और एक बहुत बड़ा कंप्रोमाइज उन्होंने अपनी खेती से कर रखा है। ये बताइए कि जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, बीजेपी की सरकार चली जाएगी, ये जो किसान है, ये तो इनको, इनका मकसद तो एक ही है, दिल्ली आना है, दिल्ली आना है, अब मोदी जी का घेराव करना है। तो वो जो किसान गांव गांव से निकलेगा, ट्रैक्टर लेकर निकलेगा, ट्रॉली लेकर निकलेगा, या साइकिल पर आएगा, बैलगाड़ी पे आएगा, और ना सिर्फ हरियाणा, पंजाब से दाखिल होंगे हरियाणा में, राजस्थान से दाखिल होंगे, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, तो क्या उनको हुड्डा सरकार, कांग्रेस की सरकार रोकेगी, बैरिकेड्स लगा देगी, आंसू गैस छोड़ेगी, क्या करेगी, या जाने देगी कि भैया जाओ हम नहीं रोकेंगे आपको? तत्काल, मैं कह रहा हूं, सरकार शपथ बाद में लेगी, पहले ये आदेश करेगी। ओ क्योंकि अल्टीम पहला आदेश ये होगा। ओहो साहब, ये तो इसका मतलब यही दुखती रग है मोदी शाह की, उनको लग रहा है कि इधर सरकार पलटी और इधर ये बैरिकेड हटे और किसानों का सैलाब आया, बांध टूटेगा, मतलब सब्र का। Exactly. यही पीड़ा है इनकी, यही कष्ट है और यही इनको भय सता रहा है दिन रात, लेकिन इनके हाथ पल्ले कुछ है नहीं हरियाणा के अंदर। त्रासदी इनकी ये है, जब प्रधानमंत्री की रैली में 5,000 लोग आ रहे हैं तो आप कल्पना ही कर लीजिए फिर क्या होगा। इसी बात से चिंतित और पीड़ित है, इसी के लिए तमाम चक्रव्यूह रचाए जा रहे हैं। आपको ध्यान है, मनोहर लाल से जिसने हाथ मिलाया वो घर बैठ गया। पिछली बार आपको ध्यान होगा 10 सीट आई थी अपने जेजेपी की, दुष्यंत चौटाला की, आज उनका हरियाणा में नाम लेवा नहीं बचा। उनको पूरी पार्लियामेंट के चुनाव में 0.87% वोट मिला है, सारी जमानत जब्त। कष्ट केवल क्या था कि मनोहर लाल के पार्टनर थे। आज ना केवल मनोहर लाल डूबे बल्कि पूरी जेजेपी को भी ले डूबे। और रही सही कसर, आज उनका जो पार्टनर है गोपाल कांडा, बड़ा कुख्यात नाम आपने सुना होगा, गोपाल कांडा ने आज फिर घोषणा कर दी है कि अगर हम उनका अलायंस है, देखिए किससे उनका अलायंस है, INLD से, उनका अलायंस है BSP से, उसने खुलेआम कह दिया कि हम चुनाव के बाद बीजेपी की हैट्रिक बनवाएंगे, मीनिंग देर भाई कि उन्होंने अभय चौटाला के लिए भ्रूण हत्या करवा दी। पिछले 2-3 दिन में उनका कैंपेन थोड़ा बिल्डअप होने लगा था, बीजेपी को सपोर्ट से उन्होंने INLD का भी बेड़ा गर्क कर दिया। ओके, फाइनल क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, और क्योंकि समय भी हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन ये, एक फाइनल आपसे एक आपका जजमेंट चाह रहा था, या आपका एक एंटिसिपेशन चाह रहा था। आपको क्या लग रहा है कि जब मशीनें खुलेंगी 8 अक्टूबर को, आपको क्या लगता है स्कोरबोर्ड क्या होने वाला है, नतीजा क्या होगा? देखिए दीपक जी, बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये आपका, लेकिन जो अब चूंकि सारे प्रत्याशी आ गए हैं, नॉमिनेशन फाइल हो गए, तो एक ब्रॉड पिक्चर हमारे सामने है। ब्रॉडली मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में जो मोमेंटम है, जो नैरेटिव है, कांग्रेस इज बिटवीन 60+-2। कांग्रेस पार्टी आज हरियाणा के अंदर आउट ऑफ 90, बीजेपी एट द मैक्स। सारे चक्रव्यूहों को अगर मान लो कामयाब भी मान लें, आप सबको कामयाब मान लें जो इन्होंने खेल किया मनोहर लाल जी ने, उसके बाद भी दे कैन नॉट क्रॉस 20। लेकिन जो इंडिपेंडेंट्स वगैरह के, आप देखिए हरियाणा के इतिहास में एक दीपक जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, पहली बार 5 पार्टियां चुनाव में है, मुख्य धारा की पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, INLD, जेजेपी और आप, 5 तो ये हो गए। उसके बाद तमाम बागी, करीब 32 बागी कांग्रेस के हैं, करीब 28 बागी बीजेपी के हैं, एक्टिवली जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, और कल नॉमिनेशन विड्रॉ होगा तब पता लगेगा सीन का जी। तो आज की तारीख में ये स्कोर दिखता है, कुछ सीटों पे मल्टीपल कंटेस्ट के, मल्टीपोलर कंटेस्ट के कारण इस बार हमें शुरू में लग रहा था कि आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन जिस तरह का मुकाबला बन रहा है, बहुकोणीय जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उसमें मुझे लगता है 5-4 इंडिपेंडेंट इस बार भी आएंगे। ऐसा मुख्यमंत्री आपके जीत रहे हैं, नायब सिंह सैनी साहब जीत रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब बहुत ज्यादा दिक्कत में, बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा, बहुत सीरियस। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जीत रहे हैं आपके, उनकी जमानत जब्त है। अरे
डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अत्री साहब कह रहे हैं कि साहब जमानत जब्त हो रही है मुख्यमंत्री नहीं, मैं नहीं कह रहा, दीपक जी उनकी माता जी ने उनकी कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा था अभी पार्लियामेंट का जी, हिसार पार्लियामेंट में उचाना आता है उनकी 10 की 10 सीटों में जमानत जब्त। मतलब आपकी तरफ से बात आ रही है कि 60 सीटें जो हैं माइनस प्लस 2 आपने कहा 58 भी हो सकती हैं, 62 भी हो सकती हैं, कांग्रेस को मिल रही हैं 20 पर अगर अत्री साहब ने आज शर्त लगा दी कि साहब मैं शर्त लगा रहा हूं, तो मैंने कहा ठीक है साहब मैं तो शर्त लगाता नहीं लेकिन हाँ 8 तारीख को आपको जरूर खोजूंगा और अगर आप अगर नतीजा आता है तो आपको सैल्यूट भी करूंगा। हालांकि सैल्यूट करने वाली आप शख्सियत हैं उसमें कोई डाउट नहीं, आपने एक लंबा अरसा दिया है जर्नलिज्म को। अत्री साहब ये भी कह रहे हैं कि साहब कुल मिलाकर हालत बहुत खराब है, सरकार बीजेपी की वहां से जारी रुखसत हो रही है लेकिन उसकी रुखसती के साथ जो बैरिकेड्स लगे हैं आज भी लाखों किसान हरियाणा के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, कोई पंजाब के हैं, राजस्थान, तमाम जत्ते हैं, वो बैरिकेड्स हट जाएंगे, बांध हटा लिया जाएगा और फिर जो फ्लो ऑफ किसान है वो दिल्ली की तरफ होगा। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है मिस्टर मोदी के लिए, मिस्टर अमित शाह के लिए, उनके चाणक्य के लिए, और उससे कहीं ना कहीं वो घबराए लेकिन उनके पास कोई काट नहीं है क्योंकि जो उनका एम्बेसडर था सबसे बड़ा मनोहर लाल खट्टर साहब जो थे उनसे भी अब मोदी जी की नहीं बन रही, हालात इस तरह के, यानी घर में ही आग लगी इस वक्त। एक चीज दोस्तों मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हरियाणा मोदी जी के हाथ से जाता है तो जो शुरू में मैंने कहा था तीन तरफ से दिल्ली यानी मोदी जी का जो महल है, मोदी जी की जो सीट ऑफ पावर है, तीन तरफ से वो हरियाणा से घिरी हुई है और जहां से घिरी हुई है, जिन रस्तों से घिरी हुई है, वहां पर बरसों से मुद्दतों से किसान बैठे हुए हैं जो दिल्ली आना चाहते हैं मोदी। तो ये एक सिनेरियो है जहां पर ऐसा लगता है कि हरियाणा स्ट्रेटेजिक रूप से, रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट, हरियाणा की लड़ाई 10 सीटों का नहीं है, इन 10 सीटों की ताकत 100 सीटों के बराबर है। अत्री साहब आप आए, खुलकर बात हुई और वाकई मजा आ गया आपकी बातें सुनकर। मुझे लगता है कि इस तरह के जो पत्रकार हैं जो चीजों को समझते हैं, समझाते हैं, बोल्डली बोलते हैं, आज की तारीख में जो ब्रीड है बहुत कम हो गई। यू आर वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट जेम्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।